वफाकी काबीना 3 लख मैट्रिक टन कणक दरामद करण समेत फैसलों की मंजूरी दिनी है। वफाकी वजीर मरियम रक्सेब वजीर आजम टिन खास इस्मन खंड एंगे की कीमतन से नजर रख एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जुड़ो है। शहबाज शरीफ तमाम जल्द कौम के खिताब कंदो और हुकूमती कदमन तोड़े रिथन बाबत कौम के खिताब कंदो। वफाकी काबीना के इजलास बाद मीडिया के ब्रीफिंग दीदे मरियम रक्सेब अगुणे वजीर आजम इमरान खान के पिण तनकीद जो निशानों पढ़ाओ। वफाकी काबीना जो इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ थो जिन दौरान इजलास के वजीर आजम के सऊदी अरब वारे दौरे बाबत तफसी ब्रीफिंग दिनी वही जडे तो वजीर आजम काबीना के सऊदी दौरे बाबत एतमाद में वरतो। काबीना फवाद असदुल्ला खान के DGIB मोहम्मद मसूद के पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो मेंबर बैन एडमिरल रिटायर्ड सलमान इलियास के शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क जो डायरेक्टर मुकर्रर करने की मंजूरी दिनी जडे तो चेयरमैन बाबटा मुसविल हुसैन की इस्तीफा मंजूर कर खाली थियल अहदे की चार्ज मेंबर फ्रांस के दिनी हुई। वफाकी काबीना 3 लख मैट्रिक टन कणक दरामद करण तोड़े एक का पासपोर्ट की मौजूदगी में उन्हें रद्द करण इक्तसादी राबता कमेटी तरफा 8 खर्ज की कीमत बाबत आवाम के दिनल रिलीफ पैकेज की भी मंजूरी दिनी। यो फैसलो कहो तो खंड की कीमत 70 रुपया फी किलो बरकरार रखी वेंदी। वफाकी काबीना उन मौके ते मुल्क का खंड बाहर मोकलण से पिण पाबंदी मणन की मंजूरी दिनी। काबीना इजलास बाद मीडिया के ब्रीफिंग दिनी वही तो वफाकी वजीर मरियम रक्सेब काबीना के फैसलों बाबत मीडिया के आगाह किया। अगुणे वजीर आजम इमरान खान के छिती तनकीद जो निशानों बनाईदे तो इमरान न्यासी लगातार आइनी शिकनी कर रो है। 3 अप्रैल का आयन तोड़ने जो शुरू थियल अमल अज ताई पंजाब में जारी है। पीटीआई आइनी शिकन का हाँ गुंडागर्दी से भलई आई है। महंगाई से गलाइंदे मरियम रक्सेब चौथ वजीर आजम टिन खास इस्मन खंड एंगे की कीमतन से नजर रख एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जुड़ो है जैसे सूबन सा मुकम्मल रबता है। वजीर आजम तमाम जल्द कौम के खिताब कंदो और हुकूमती कदमन तोड़े रिथायन बाबत कौम के खिताब कंदो। मरियम रक्सेब चो तो पीटीआई में मुशावरत ना थी उतर रुगो एक शख्स की गाल बुधी वी है पर असा वट मुशावरती अमल जारी रो है। उन मकसद लाए वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन वही रो है जिते हु वफद से गड नवाज शरीफ से मुलाकात कंदो। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान गवर्नर पंजाब के अहदेदा हटाने रद्द अमल ईंदे है तो जरूरी है तो अदालत इस मां सूरत हाल के नजर में रखंदे मामले के पान मुरादो ऐसे पेंजे जारी कल एक बयान में अगुणे वजीर आजम इमरान खान जो तो इम्पोर्टेंट हथ छोकिया पंजाब में आइनी लफेड़ के हथी दी रहा है। घूस चूडन जरिए हथ टोकी के वे वसी तौर सूबे से मुड़ वो है। उन्हें चो तो समूर दस्तूरों घुर्चों पास रखी सदर के अहदे की तोहिन कई वही है। गवर्नर पंजाब के दस्तूर के तहफुज से शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश कई वही। पंजाब में दस्तूर तोड़ने जो खामोशी से तमाशो डिठो पे वे संदस मौजब लास्ट में आयत अदालत इस मां सूरत हाल के नजर हेठ रखी मामले के पान मुरादो ऐसे पंजाब में जमीन फरोशन जो मामलो व बिना देर अंजाम ताई पहुंचाई वने। सदर मुमलिकत आरिफ अल्फी अगुणे वजीर आजम इमरान खान वारो पढ़े साजिश बाबत खत मौजूदा वजीर आजम चीफ जस्टिस के उमानी जांच लाए बाख्तियार अदालती कमीशन कायम करने की सिफारिश की है। सदर डॉक्टर आरिफ अल्फी अगुणे वजीर आजम इमरान खान के खत जो जवाब दींदे हुकूमत के तब्दील करने की मुबैना साजिश की जांच से जोर भरियो है। पेंजे जवाबी खत में सदर आरिफ अल्वी चो तो हुकूमत तब्दील करने की मुबैना साजिश की मुकम्मल जांच की जरूरत है। मामले के मंतकी अंजाम ताई पहुंचाने और आवाम से वाजे करण लाए हालतन से बदल सबूत रिकॉर्ड करने की जरूरत है। सदर चो तो अमेरिका में पाकिस्तान के अगुणे सफीर पारा मोकल सफीर की कॉपी पढ़ी है जिनमें खास तौर से वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद वारी रिथ जो जिक्र किया है। खत में रिथ की कामयाबी की सूरत में माफी ए नाकामी की सूरत में संगीन नतीजा भोगण जो जिक्र है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ पार्टी जो हंगामी इजलास लंदन में तलब कर वरतो। जरिए जो चवण है तो नवाज शरीफ वीडियो लिंक इजलास की तजवीज़ रद्द कर छी ए पार्टी के मरकजी क्यादत के लंदन पहुंचने की हिदायत कई है। जरिए मौजिब शायद काकान अब्बासी पेरों ही लंदन में मौजूद है जडे तो वजीर आजम शहबाज शरीफ अहसन इकबाल मरियम औरंगजेब जो एक बिन ढीह में लंदन रवाना थियण जो इम्कान है। जरिए मौजिब नवाज शरीफ के कुछ मामलों के खदशा उन लाइ नून लीग को वो
फैसलो कर वही रही है। जरिए जो बुधान है तो पेट्रोलियम शयन के अगन से हिकमत अमली बाबत नवाज शरीफ ए साबदार से मुशावर थन्दी जडे तो इंद चूडन में पंजाब में काबीना ए पावर शेयरिंग बाबत भी अहम फैसला करण जो इम्कान है। जरिए जो चवण है तो नवाज शरीफ पारा इजलास तलब कर वजीर आजम शहबाज शरीफ अज रात लंदन रवानों की वो सुप्रीम कोर्ट में सदाती रेफरेंस की बुधनी दौरान जस्टिस जमाल मंदो के रिमांस ना तो एक चवे तो आजाद अदलिया घुर्जे बो चवे तो आईन के ताबे अदालत घुर्जे आईन के ताबे पार्लियामेंट एग्जेक्टिव अदलिया होजन घुर्जे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में पंच रुकनी रॉजर फेंच आर्टिकल 3 की तशरी लाए दाखिल सदाती रेफरेंस से बुधनी कई जै सिलसिले में पीटीआई तरफा बाबर रहमान दलील दिना बाबर रहमान दलील दिंदे चो तो यूटिलिटी बिल सदा न करो वरुकनीत जहा अहल ना ही होंद आर्टिकल 3 में ना अहल जो मुद्दो मुकर्र न हो ताहयात ना अहली होंदी। उन जस्टिस संभाल मंदो के चो तो को उम्मीदवार ईंदड़ इलेक्शन का पैर बिल अदा करे तो तरी व ना अहल होंद बिल अदा करण का ना अहली खत्म थी वी है। आर्टिकल 52 एफ तहत ही ना अहली ताहयात है। जस्टिस एजाजुल हसन रिमांस ना तो जैसी ताई ना अहली जो डिक्लेरेशन अदालत खत्म न थी करे ना अहली बरकरार रही यूटिलिटी बिल सदा न थियण ते ना अहली ताहयात नी सके। जस्टिस मजहर आलम खैल चौथा तो फ्री वेल मेम्बर के ताहयात ना अहल कर मुझी नजर में आर्टिकल 381 की भनकड़ी संघी दो है। आर्टिकल 381 भनकड़ी अदलिया फौज की तस्लील ए नजर पाकिस्तान बाबत है। जस्टिस मंदो खेल रिमांस दींदे एक चवे तो आजाद अदलिया घुर्जे बो चवे तो आईन के ताबे अदालत घुर्जे आईन के पार्लियामेंट एग्जेक्टिव अदलिया होजन घुर्जे। इलेक्शन कमीशन पीटीआई पंजाब के बाकी मेंबर्स के फौरी तौर मुअत्तल करण का इनकार कर छो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई पंजाब के एमपीए पारा दाखिल कराय दरख्वास्त रद्द कर छी है। इलेक्शन कमीशन सुवरन धुरन के दलील देने का हुक्म दे छो है जडे तो 13 मई ताई मामले की बुधनी मुलतवी पिण कई पी है। वाजिरे तगुणे वजीर आजम इमरान खान खिलाफ़ बेतमादी रिथ पेश कर अग पीटीआई जहाँ मेंबर फ्री व्या हुआ जिनकी अहलियत बाबत मामलो अदालत तोड़े इलेक्शन कमीशन में हलंदड़ है। पीपी से मरकजी अफगान खुर्शीद शाह चयो है तो पीटीआई सरकार 4 साल में को भी सुठो कम न कयो वेतन मशीन तबाह कई है जैके सुधारण में वक्त लगी वो सखर में एहतसाब अदालत बहरा मीडिया से गलंदे खुर्शीद शाह चो चवण हो तो इमरान खान सियासी मानू ना है तेकर खैर सियासी गाल कर रो है। सैयद खुर्शीद शाह तो इमरान खान इदारन ए मुखालफन से हमला करण का सिवाय कुछ न तो करे सके मीडिया से अचान लाए गारगंद कर रो है छाकान थू अवामी मानू ना है। उन संदन सियासत कंके जेल वन की ना है वो कंके इंतकाम वन ना चाहन जैसे को कानून हथ में खणद तो उनके कानून की पकड़ कद उन शेख रशीद से तनकीद कदे चो तो सभी के खबर है तो शेख रशीद केतरो बहादुर है या सभी के खबर है तो कुछ अरसों अग मामूली मसले से मोटरसाइकिल से भजी वो सदन सियासत कंके जेल हवाले कर ना है कानून पैं रस्तों इख्तियार कद वफाकी वजीर चो तो उन दिखारण चा दंद हिकड़ा खाण वारा बया है ये रुगो दंद दिखारे रहा है वक्त अचान से सभी के खबर पेजी वी चो तो वफाकी वजीर हुजन बावजूद अदालत में पेश रो है अदालत जो वो एतराम कर रहा है। खुर्शीद शाह इल्ज़ाम हणंदे चयो त इमरान खान 4 साल में जो कम कयो वो 100 महीने में भी बेहतर न थी सकंदो। नेफ्रा सजे मुल्क में बिजली वाफेदार लाए 57 पैसा फी यूनिट मांग की मंजूरी दी छी आवाम लाए एक भी खराब खबर सामू आई नेफ्रा बिजली जगन में 57 पैसा फी यूनिट वाद की मंजूरी दी छी है। वाद इलेक्ट्रिक खां सिवाय सजे मुल्क के बिजली वाफेदार लागू थन्दी नेफ्रा मुआशिब अग में वाद माली साल 2021-22 के पेरी माह के एडजस्टमेंट की मद में कई पी बिजली चोरी नुकसान जहाँ पैसा भी वाफेदार का वसूल क्या वा बिजली की कीमतन में साफे जो बार भी पवन नेपरा मौजूद बिजली जगन में बाद 1 जून का लागू थन्दी।